हाय रोहन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप ठीक हो। ये जो आपको मीटर बॉक्स दिख रहा है ना, ये है नॉर्मल, मतलब सिंगल फेस मीटर बॉक्स है, देख सकते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट इसको कर दे, मतलब एमसीबी है ना, एमसीबी के ऊपर इसको कर दे। इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना, प्लीज़ नो चेंजिंग द चेंज ओवर, इसका मतलब ये जो ये है ना, चेंज ओवर डायरेक्ट है। सिंगल फेस का जो मीटर बॉक्स रहता है ना, वो नॉर्मली इसके अंदर फेस न्यूट्रल रहता है, दोनों सिंगल फेस के मीटर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टोटल जो मीटर है ना, कम से कम आई थिंक 12 या 14 तक मीटर रहता है। यहाँ पे दिखिएगा आपको, ये देख दीजिए, यहाँ पे ये सब सिंगल फेस ही मीटर है, आपको दिखने जा रहा है ना, ये देख लीजिए। इसके अंदर ना थोड़ा बहुत जो मीटर रहे, वो थोड़ा बहुत मीटर मतलब ख़राब हो जाए था, तो उसका डायरेक्ट क्या है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। ये देखिए, यहाँ से ना पूरी कंप्लीट आपको वायरिंग पता चल जाएगा। ये जो है ना, ये पूरी कंप्लीट वायरिंग इसके अंदर की है, सबका जो वायरिंग है ना, वो पूरी तरीके से सेपरेट किया है। यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा सेपरेट अच्छे तरीके से। यहाँ पे ना कम से कम मुझे ऐसा लगता है जी, और कम से कम 12 सिंगल फेस मीटर रहेगा, और सबका जो कनेक्शन रहता है ना, हर एक रूम का, वो सेपरेट सेपरेट रहता है। मतलब हर एक रूम का जो कनेक्शन रहेगा वो सेपरेट रहेगा, एसी का कनेक्शन सेपरेट रहता है, फ्रिज का कनेक्शन सेपरेट रहता है, सब डिवाइड करके। इसके बाद यहाँ पे जो एसी का जो एमसीबी रहेगा ना, वो सेपरेट रहता है, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहता है ना, वो अलग रहेगा, वो सेपरेट पूरा एसी का जितना भी एसी रहेगा ना, अगर 12 रूम रहेगा तो 12 रूम का जो एसी रहेगा वो कम्प्लीटली एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में उसको डिवाइड कर देगा। ये देख सकते हैं, इसके अंदर ना एक थ्री फेस मीटर, ये यहाँ पे दिखा आपको ना, ये है बस बार, ये इसके अंदर ना कम्प्लीटली ये वायरिंग, ये देख सकते हैं, और ये वायरिंग कंसीड है पूरी तरीके से। आप अच्छी तरीके से आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे ही नॉर्मल आपको दिखाया, पर इसके अंदर पूरी कम्प्लीटली वायरिंग है एक तरह से। यहाँ पे ना ये बस बार के लिए ना, यहाँ से नीचे से वायरिंग दिया था, ये सिंगल फेस मीटर। और सिंगल फेस मीटर को आप कम से कम 20 का एमसीबी आप लगा सकते हो, वो लोड आराम से ले सकते हो, उतना लोड नहीं रहता सिंगल फेस मीटर के ऊपर। और सब जो सिंगल फेस मीटर है ना, उसके साइड में आपको चेंज ओवर मिल जाएगी। चेंज ओवर मतलब क्या होता है, इसके ऊपर दो कनेक्शन है, मतलब इसका कनेक्शन लाइट का कनेक्शन भी है और जनरेटर का भी कनेक्शन है। अगर लाइट चली गई तो जनरेटर के लिए आपको कनेक्शन कर रखना पड़ता है ना, इसके वजह से जनरेटर तक का भी कनेक्शन यहाँ पे है। सबका कनेक्शन सेपरेट सेपरेट है, इसकी वजह से वो उतना लोड आए होता नहीं, उतना कंप्लीट पूरा लोड होता नहीं। ये पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं, आप काउंट भी कर सकता हूँ, ये देख लीजिए, आई थिंक 2 या 3 जो चेंज हो रहे हैं ना, उसको डायरेक्ट किया है। मतलब वो डायरेक्ट है, मतलब अगर लाइट चली गई तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट चालू हो जाएगा, इसकी वजह से उसको चेंज और चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखो, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये एसी का जो ऊपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, वो इसी आप मतलब उसको सेपरेट कनेक्शन साइड में ही रखा है, एसी का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का एक साइड से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलता है आपको। सबसे पहले ये नो, यहाँ पे पूरी तरीके से आपको ये एक साइड में लगाना पड़ता है, एक देख सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक साइड में कंप्लीट लगा के, उसके बाद ये आप इसको अच्छी तरीके से वायरिंग इसका कर सकते हैं। ये जो वो 3 एमसीबी है, वो लाइट का एमसीबी,